सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है पीयूष, आप देख रहे हैं कारी गाइड। एंड गाइज, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फाइनेंस डिटेल रिव्यू अपने टोयोटा फॉर्च्यूनर डीजर 4x2 ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन की। एंड गाइज, थोड़ा सा मेरा तबीयत ख़राब है तो आवाज़ आपको थोड़ा भारी लग सकती है, तो भाई उसके लिए माफ़ करिएगा। एंड खांसी वगैरह भी आ सकती है बीच में भाई। तो गाइज, यहाँ पे फॉर्च्यूनर अपनी ग्रे कलर आपके सामने काफ़ी बढ़िया कलर ऑप्शन में खड़ी हुई है। कंपैरिजन की पहले बात करेंगे तो फॉर्च्यूनर को डायरेक्ट बीट करने वाली गाड़ी भाई क्लॉस्टर MG की तरफ से आने वाली, वो भी काफ़ी लग्जरी गाड़ी वो भी है, लेकिन इंजन के मामले में और जो फैन बेस है भाई फॉर्च्यूनर की बिल्कुल ही अलग है। टोटल 7 वेरिएंट्स में आती है फॉर्च्यूनर। एंड कलर ऑप्शन की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको टोटल कलर ऑप्शन मिल जाते हैं, 7 कलर ऑप्शन है। 4x4 एंड 4x2 दोनों में ही अवेलेबल है। बेस मॉडल की बात करेंगे तो 33 लाख रुपीज़ बेस मॉडल से स्टार्ट होती है, और ऑन रोड की बात करेंगे तो 39 लाख रुपीज़। एंड अगर टॉप मॉडल की अगर हम बात कर लेते हैं तो भाई 51.44 लाख रुपीज़ टॉप मॉडल जाती है, एंड 60 लाख रुपये ऑन रोड है टॉप मॉडल की। एग्जैक्ट जो प्राइस मैं बताऊं आपके सामने जो खड़ी हुई है डीजल 4x2 ऑटोमेटिक, इसकी प्राइस आपको पड़ जाएगी 45 लाख रुपीज़ ऑन रोड। एंड ऑन रोड प्राइस बिल्कुल डिफरेंट सिटी स्टेट में गाइस जो प्राइस है वो वेरी कर सकता है। सो गाइज, ये थी प्राइस वगैरह अपनी प्रोडक्ट की। अब बात कर लेते हैं कि इसकी मिनिमम जो डाउन पेमेंट है ना, ये क्या पड़ने वाली है भाई, और EMI वगैरह उसी के साथ हर एक चीज़ की भी बात हम लोग करेंगे। सबसे पहले तो भाई ये देख लीजिए, गाड़ी की जो प्राइस है ना ये काफ़ी ज़्यादा है, 45 लाख रुपीज़ गाड़ी की आपको ऑन रोड प्राइस कॉस्ट कर रही है टोयोटा फॉर्च्यूनर की। सो गाइज, सबसे पहले इसके मिनिमम डाउन पेमेंट की बात कर लेते हैं। देखो, जो डाउन पेमेंट है मैटर करता है भाई सिविल रिपोर्ट पर। अगर आपका सिविल रिपोर्ट बहुत बढ़िया है तो डाउन पेमेंट तो बहुत ही कम हो जाता है, और कम है सिविल रिपोर्ट तो भाई डाउन पेमेंट थोड़ा आपको ज़्यादा देना पड़ता है। ठीक है, तो भाई यहाँ पे हम लोग जो सिविल रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बताया, सिविल रिपोर्ट आपको 700 से 750 है, तो गाड़ी की मिनिमम डाउन पेमेंट आपको देनी पड़ेगी 7 से 8 लाख रुपये मिनिमम डाउन पेमेंट आपको देना पड़ेगा। और गाइज, ये थोड़ा जो मैं प्राइस बता रहा हूँ, अमाउंट बता रहा हूँ, ये ऊपर नीचे हो सकता है, एक लमसम आप समझ लीजिएगा। ठीक है, तो भाई 45 लाख गाड़ी की ऑन रोड प्राइस है, और 8 लाख रुपए डाउन पेमेंट देने के बाद तो जो प्रिंसिपल अमाउंट रहेगा लोन अमाउंट वो 37 लाख रुपीज़ का रहेगा। 8% का हम लोग रेट ऑफ इंटरेस्ट लेके चलेंगे, तो मिनिमम डाउन पेमेंट 8 लाख देने के बाद गाड़ी का जो 1 साल का अगर आप टेन्योर चूज़ करेंगे लोन ड्यूरेशन, तो EMI मंथली EMI पड़ने वाली है 3,21,000 रुपीज़, और इंटरेस्ट पे करेंगे आप 1,62,000, गाड़ी की टोटल कीमत हो जाएगी फिर 39 लाख रुपीज़। एज अ पार्ट ऑफ इंटरेस्ट आप 1,62,000 आप एक्स्ट्रा दे रहे हो। आप आगे बढ़ते हैं, हम लोग 2 साल का अगर टेन्योर चूज़ करोगे तो 1,67,000 EMI पड़ेगी, 3,20,000 रुपये आपका इंटरेस्ट का पार्ट रहेगा, और गाड़ी की कीमत 40,20,000 होने वाली है। वहीं अगर 2 साल का अगर आप चूज़ करोगे टेन्योर तो 1,15,900 रुपये आपका EMI रहेगा, और 4,80,000 आपका इंटरेस्ट पेबल अमाउंट, टोटल गाड़ी की कीमत 42 लाख। एंड अगर आप टेन्योर 4 साल का यूज़ कर रहे हो तो 90,000 रुपीज़ आपकी EMI रहने वाली है, 6.35 लाख रुपीज़ आपकी इंटरेस्ट पेबल अमाउंट, एंड 44 लाख रुपीज़ आपका टोटल अमाउंट पेबल होगा। और 5 साल का अगर आप टेन्योर चूज़ अगर कर रहे हो तो यहाँ पे 75,000 आपका EMI अमाउंट रहेगा, 8 लाख रुपीज़ आपका इंटरेस्ट पेबल रहेगा, एंड टोटल अमाउंट 45 लाख रुपीज़ रहेगी। 6 साल की बात करते हैं तो 64,000 रुपीज़ आपकी EMI अमाउंट रहने वाली है, 9,70,000 इंटरेस्ट पेबल होगा, एंड टोटल गाड़ी की कीमत 46,70,000 हो जाएगी। लास्ट जो कि मैक्सिमम सभी बैंक अकाउंट टेन्योर देती हैं 7 साल का, यहाँ पे व्हीकल की EMI 57,000 रहने वाली है, 11,44,000 आपका इंटरेस्ट पेबल अमाउंट होगा, एंड 48,44,000 रुपीज़ आपका टोटल अमाउंट होगा। एंड गाइस, जो आपका मैं बता दूं, जैसे कि टेन्योर जैसे जैसे आप आगे बढ़ाते जाते हो वैसे वैसे आपका EMI का अमाउंट रिड्यूस होता है, और इंटरेस्ट पेबल अमाउंट बहुत ज़्यादा बढ़ता है। जो ये 8% का ROI है सिर्फ जो मैं आपको बता रहा हूँ टोटल इंटरेस्ट पेबल, जैसे कि मिनिमम डाउन पेमेंट देने के बाद 8 लाख आपका जो 1 साल का EMI आता है, मतलब मैक्सिमम EMI बोल सकते हो 3,21,000, और लोएस्ट EMI अगर आप बोल दोगे तो ये भाई हो जाएगा 57,600 रुपीज़। तो भाई ये था अपने टोयोटा फॉर्च्यूनर 4x2 डीजल ऑटोमेटिक का फाइनेंस डिटेल रिव्यू। डॉक्यूमेंट्स की बात की जाए तो एड्रेस आइडेंटिटी प्रूफ में आधार कार्ड, पैन कार्ड, यूटिलिटी बिल में इलेक्ट्रिसिटी, भाई
और राशन कार्ड वगैरह आप दे सकते हो। काफी सारे वेरिएंट्स के बाद प्राइसिंग से बात करें, इनकम प्रूफ पे अगर आप जॉब करते हो तो टॉप मॉडल के लिए आप 16.4 दे सकते हो। अगर बिजनेस है तो आईटीआर दे सकते हो, सो वो मैंडेटरी होता है उसमें। ऑटोमेटिक वेरिएंट है, बैंक भी स्टेटमेंट, पासपोर्ट साइज फोटो, चेक्स वगैरह स्टेट भी जाता है। अगर आप प्राइस ऊपर नीचे करें पे रहते हो तो रेंट एग्रीमेंट अभी जरूरी है। तो गाइस ये डॉक्यूमेंट्स थे भी आपको फाइनेंस करा दो कि नहीं, 2-1 लाख रुपए गाइस कॉस्ट करने वाली है। अगर आपको और भी किसी व्हीकल्स का फाइनेंस डिटेल रिव्यू चाहिए तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, या फॉर्चुनर गाइस किसी और डाउन पेमेंट मेथड या और किसी भी चीज पे चाहिए तो बता सकते हैं कमेंट में, मैं आपको बता दूंगा भाई। सेंड की वीडियो यहां पे अच्छी लगी लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करिएगा। यहां पे आप नेक्स्ट वीडियो देख सकते हैं, बढ़िया साइज एरिया आया न्यू।